हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज द बुक वर्क ऑफ चैप्टर 4 एंड 5। तो सो लिसन केयरफुली। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बुक वर्क में हमें ए और बी एक्सरसाइज को करना है। देखिए पहले हम ए एक्सरसाइज को देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। पहला है आपका टिया लाइट गोइंग टू। टिया कहाँ जाना पसंद करती थी? स्कूल, प्लेग्राउंड या क्लास। तो वो स्कूल में जाना पसंद करती थी, इसलिए हमने यहाँ पर स्कूल को टिक कर दिया। नेक्स्ट नंबर टू, विद होम डेट टिया गो टू स्कूल एवरी डे। टिया किसके साथ रोज़ स्कूल जाया करती थी? मदर, ग्रैंड मदर या फ्रेंड्स। वो ग्रैंड मदर के साथ जाती थी, इसलिए यहाँ पर हमने ग्रैंड मदर को टिक कर दिया। नेक्स्ट नंबर थ्री, विद होम डेट टिया शेयर हर आइडिया। टिया अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को किसके साथ शेयर किया करती थी? टीचर के साथ, ग्रैंड मदर के साथ या मदर के साथ। टीचर के साथ करती थी, इसलिए हमने यहाँ पर टीचर को टिक कर दिया। नेक्स्ट है बच्चों, इसके बाद नंबर फोर, द चिल्ड्रन गॉट ड्रेस्ड अप एज। बच्चे कैसे ड्रेसअप हुए? एज फेरी टेल करेक्टर्स, जेब्रा क्रॉसिंग या ट्रैफिक साइंस। आपने पढ़ा है बच्चों यहाँ पर ट्रैफिक साइंस के बारे में, ये चैप्टर है। तो यहाँ पर ट्रैफिक साइंस की तरह से ही वो, जैसे ट्रैफिक साइंस में कौन कौन से कलर होते हैं, रेड, ग्रीन है ना, और येलो, तो ऐसे ही बच्चे भी उसी कलर में ड्रेसअप हुए थे। तो यहाँ पर ट्रैफिक साइंस को टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट है बच्चों आपका बी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पर ईच चाइल्ड लर्नड द डैश ऑफ वन ट्रैफिक साइन। हर बच्चे ने एक एक ट्रैफिक साइन के मीनिंग को सीख लिया था। नंबर टू देखेंगे ज़रा क्या है, टिया एंड हर डैश गॉट एंग्री। टिया और उसकी मदर क्या हो गई थी? नाराज़ हो गई थी। तो यहाँ पर ग्रैंड मदर को, ग्रैंड मदर होता है दादी माँ, ठीक है। नेक्स्ट वन नंबर थ्री, ए डैश एजुकेशन वीक वॉज ऑर्गेनाइज इन स्कूल। स्कूल में कौन सा वीक ऑर्गेनाइज किया गया था? रोड सेफ्टी एजुकेशन वीक, ठीक है। तो यहाँ पर एजुकेशन वीक तो हमें गिवेन है, तो हम यहाँ पर पहले ब्लैंक में रोड लिखेंगे और दूसरे ब्लैंक में सेफ्टी लिखेंगे, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पर आपको टेस्ट में, एग्ज़ाम में एजुकेशन भी ब्लैंक होकर आए, तो आपको यहाँ पर एजुकेशन भी फिल करना होगा। नेक्स्ट नंबर फोर, पीपल ऑफ द टाउन रिमेंबर्ड टू डैश द ट्रैफिक साइंस। पीपल ऑफ द टाउन रिमेंबर्ड, जो उसके टाउन के लोग थे उन्होंने किस चीज़ को याद किया? टू डैश द ट्रैफिक साइंस। उन्होंने ट्रैफिक साइंस के को का रेस्पेक्ट करना सीख लिया था, वो उसको याद रखते थे कि हमें ट्रैफिक साइंस की हमेशा आदर सम्मान करना है। नंबर फाइव, डैश हेल्प द चिल्ड्रन। किसने हेल्प की थी बच्चों की? देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स ने। ओके बच्चों, तो ये मैंने आपको ए और बी एक्सरसाइजेस बताई हैं चैप्टर नंबर फोर की। अब हम चैप्टर नंबर फाइव जो है, ये आपकी चैप्टर न होकर बच्चों पोएम है, और पोएम का नाम है लूज टूथ। जरा अब हम, तो बच्चों अब हम पोएम फाइव की बुक वर्क देखते हैं। तो इसमें जो पहला बुक वर्क है बच्चों, वो है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शंस, एक्सरसाइज नंबर ए। द पोएट हैज़ ए लूज, जो अब आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक सेलेक्ट करना है। आपने पोएम पढ़ी है, पोएम के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर पोएट का क्या चीज़ लूज़ हो गया था? टूथ। टूथ बोलते हैं बच्चों दांतों को, तो यहाँ पर हमने सी वाले को टिक कर दिया। नेक्स्ट है द पोएट इज़ फीलिंग डैश बिकॉज ऑफ इट। अब आप इट देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों, इट पोएट के टूथ के लिए, टीथ के लिए ही आ रहा है यहाँ पर। तो द पोएट इज़ फीलिंग, कैसा फील हो रहा था पोएट को किस इस चीज़ के बारे में, दांतों के बारे में? सैड, दुखी, वो बड़ा दुख महसूस कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बी वाले को टिक कर दिया। और बच्चों अगर ब्लैंक है तो फिल भी करेंगे। नेक्स्ट है आपका नंबर थ्री, देखिए ज़रा, द डैश ऑफ द पोएट सजेस्ट कॉर्न कॉप फॉर डिनर। द डैश ऑफ पोएट, पोएट के किसने सजेस्ट किया था कि सुझाव दिया था कि डिनर में कॉर्न कॉब लेनी है, ठीक है। तो ये जो है पोएट के भाई ने सजेस्ट किया था, तो इसलिए हम यहाँ पर ए वाले को टिक कर देंगे और फिल भी करेंगे। जरा अब बच्चों एक बार बी वाले एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर बी में, स्टेट वेदर द
द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सेंटेंसेस को पढ़कर हमें पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, जैसा हमने पोएम में पढ़ा है, और कौन सा फॉल्स है। तो देखिए बच्चों, पहला है आपका द फ्रंट टूथ ऑफ द पोएट इज़ लूज। जो पोएट था उसका जो सामने का दांत था, फ्रंट का जो टीथ था, वो लूज था। तो इसलिए यहाँ पर ये बात सही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ट्रू फिल कर दिया। नंबर टू है आपका ही लॉस्ट टू टीथ बिफोर। वो पहले से ही अपने दो दांतों को खो चुका था, तो ये तो उसके पहले से दो दांत नहीं खोए थे, इसलिए यहाँ पर हमने फॉल्स को फिल कर दिया है, राइट डाउन कर दिया है। नंबर थ्री आपका हिज ब्रदर टीजेज हिम अबाउट हिज टूथ। जो उसका बड़ा भाई था पोएट का, वो टीजेज मतलब परेशान करता था, उसको चिढ़ाता था उसके दांतों के बारे में, है ना। तो ये बात सही है, क्योंकि पोएट का भाई जो बिली बॉब था वो उसको परेशान करता था, तो इसलिए यहाँ पर हमने ट्रू लिख दिया। नेक्स्ट वन नंबर फोर है द पोएट विशेज दैट ही वॉज ए लिटिल ओल्डर। अब ये पोएट चाहता था, उसकी ऐसी इच्छा थी, विश थी कि वो थोड़ा सा बड़ा होता अपने भाई से, है ना। तो इसलिए यहाँ ये उसकी इच्छा थी, इसलिए यहाँ पर हमें ट्रू लिख दिया है। लास्ट वन है नंबर फाइव द पोएट हैज़ टर्न ब्लू। पोएट को बिल्कुल नीला पड़ गया था, तो ये बात भी सही है, इसलिए यहाँ पर हमने ट्रू फिल कर दिया। जो पोएट है बच्चों, उसके दांत भी, तो जो पोएट था बच्चों ब्लू, मतलब आपने वर्ड मीनिंग्स में मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, तो ब्लू मतलब होता है बड़ी फीलिंग सैड, उसको बहुत दुख हो रहा था, दुख महसूस कर रहा था वो अपने टीथ के बारे में। तो ये बात सही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ट्रू फिल कर दिया है, नोट डाउन कर दिया। तो बच्चों अभी मैंने आपको दोनों एक्सरसाइजेज़ चैप्टर्स की बता दी हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।